ઘણી દૂર સે દોડ્યો થારી ગાડુલી કેલા ઘણી મને બહોત દોડ્યો મને ભાગે ઓર લાર મને પીછે ગાડુલી મને ગાડી તો ઠાકુરજી કહેતે ઘણી દૂર સે દોડ્યો થારી ગાડુલી કેલા ગાડુલી કેલા ગાડી મેં બિઠાલે રે બાબા જાણો ઓર થોડા જોર સે ગાડી મેં તો કિન કિન કોણ જામનગર જાને હાથ ઉઠાવ ગાડી મેં બિઠાલે રે બાબા જાણો હે નગર અંજારે ગાડી મેં બિઠાલે રે બાબા જાણો હે નગર અંજારે ગાડી મેં બિઠાલે રે બાબા જાણો નગર તારીયા જોરદાર ઠાકુરજી આખિર દોડતે દોડતે નરસિંહજી ની ગાડી રોકી લેતે સામને પર ખડે જતે રોકો ઠાકુરજી કહેતે સંતો ઇતની દેર સે આવાજ લગા રહા હું ઉબારો 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 સુનો હી નહીં આંધા તો દીખો પર બહેરાઈ ઘણા દીખો નરસિંહજી ને કહા ભાઈ બહેરા કોઈ નહીં પર કામ ક્યા હૈ ठाकुर जी ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा नरसिंह जी कहे देख भाई तू तो मोटी यार और हम सब बूढ़ा थारी मारी जोड़ी कटे बने अरे तो तू तो तेज चलते हुए हमसे जल्दी पहुंच जाएगा गाड़ी तो दूर की बात तेज चलकर भी जाएगा तो हमसे पहले पहुंच जाएगा तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं बनती महाराज જા તું તારે ગેલે ગેલે જા રે જય શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ નારાયણ ઘણા જગ મળ્યો તું તારે જા ઠાકુરજી કહે નહીં મેં તારે સાથે ચાલું લા નરસિંહજી કહે મારે સાથે ચાલ કરો લા કઈ નરસિંહ બોલ્યો મારે સાકે કે કરસી નરસિંહ બોલ્યો મારે સાકે કે કરસી ઓઢન કપડા નહીં બેઠસિયા મરસી ઓઢન કપડા નહીં બેઠસિયા મરસી બૂઠા બેલ ટૂટ્યોડી ગાડી પેદલ જાવે હા બૂઠા બેલ ટૂટ્યોડી ગાડી પેદલ જાવે હા અરર અરર પેદલ જાવે હા પેદલ જાવે હા ગાડી મેં જાણો હે નગર અંજાર ક્યા બાત એક બાર થોડી ઓર જોર સે જૈસા આપને જયકારા લગાયા થા વૈસા હી ગાના ગાડી મેં
तो क्या बात है, जिन जिन बंजार नगर जाना है उठाना पूरे पूरे हाथ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर ठाकुर जी नरसी जी का। वह देख भाई, हमारे पास तो कुछ कपड़ा लगता है नहीं, हमारे पास पहनने को ही कुछ नहीं है, तुम्हें ओढ़ने के लिए हम क्या देंगे रात को? सर्दी की रात है, ठंड लग जाएगी, तू थर जा। सूरदास जी कवे, नरसी जी मोटिया नु घनी बाता मत करो, मुंडो मत लगाओ, माता चढ़ जा वेला। और ज्ञानदास जी क्या कहते हैं? ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे गाडूली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे तुमड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे तुमड़ा फोड़ेगा। घनी भीड़ में टूटे मारे एक तारे रोता, बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो नगर अंजार।
महाराज। ठाकुर जी कहते बाबा जी मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। नरसिंह जी ने कहा देख भाई ये सर्दी की रात, जंगल का रास्ता, जाने का अभिप्राय क्या है, किस लिए जा रहे हो, क्या काम है? ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सुना है कि नरसिंह मेहता अंजार नगर में मायरा भरने के लिए जा रहा है, तो मैं वो मायरा देखने जा रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा कि मैं नरसिंह मेहता जो मायरा भरने जा रहा है वो मायरा देखने जा रहा हूं। हेलो नरसिंह जी कवे जाने क्यों गोड्डा किसे भाई ये लारो पड़ो मायरो जार देख ले ये पीछे गाड़ी में यही मायरो और मैं ही नरसिंह मेहतो जार देख ले। ठाकुर जी ने कहा मैंने देख तो लिया पर मेरे भी चाव बड़ा है, मैं भी तो कुछ करूं वहां। नरसिंह जी ने कहा तुम क्या करोगे? अरे बोले मेरे से ही कुछ हो सके तो पूर्ण पावलो थाली में गालू। पूर्ण पावलो माने देखिए मैं आपको मारवाड़ी कितने शब्द सिखा रही हूँ सब याद रखना। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो थाली में नेक डालते हैं ना, टीका करो तो थाली में नेक डालते हैं कोई भी, तो नेक जो आप रुपया पैसा डालते हैं उसे कहते हैं पूर्ण पावलो। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं कुछ पूर्ण पावलो थाली में डालूं। अब पूर्ण पावले री बात आई कि सूरदास जी रो माथो चलियो। सूरदास जी कवे नरसिंह जी अठने आओ। नरसिंह जी ने कहा क्या हुआ? बोले ये मोटियार काम रो है। नरसिंह जी ने कहा काम के कैसे? बोले देखो सामान की जगह पत्तुम्बा तुम भी ले लिया। बोले हाँ ले लिया। कपड़ा लत्ता री जगह टोप यानी लंगोटिया ले लिया। बोले हाँ वे भी ले लिया। बोले पण अपन रोकड़ रुपये तो लिए ही नहीं, वहां रोकड़ रुपये रो काम होवे इन्हें आगे कर दीजो। और ये जैसे ही थाली में गाले पीछे से कहती जो हमारे तरफ सुई जे हमारे तरफ सुई जे तो आप तो रोकड़ रुपये रो काम निकल जासी। नरसिंह जी कहे आ बात ठीक है। नानी बहिरो भात देखबा चालूगो, नानी बहिरो भात देखबा चालूगो, पूर्ण पावलो थाली मैं भी डालूगो, पूर्ण पावलो थाली मैं भी डालूगो, दो ये चार दिन चोखा चोखा जीमू जी मनवा, दो ये चार दिन चोखा चोखा गाड़ी में बिठा ले रे बाबा। अच्छा चलिए एक मुकाबला करते हैं, ठीक है? एक बार जितनी महिलाएं हैं वे गाएंगी, एक बार जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो गाएंगे, देखते किसकी आवाज तेज आती है। आइए सबसे पहले इस पूरे पंडाल में जितने पुरुष बैठे हैं वो गाएंगे। मैं पहले लाइन गाऊंगी उसके बाद मेरे बाद आप वही लाइन दोहराएंगे। जितने पुरुष हैं जो पीछे भी बैठे हैं महाराज आप भी गाइए और कोई भी महिलाएं ना गाए। आइए गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजारे। क्या बात है, आपने चेक कर लिया? देखो दिल्ली के लोग कितने आज्ञाकारी हैं। इन्होंने कहा पहली लाइन मैं बोलूंगी, फिर एक बार और बोलवा के देखो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजारे। अच्छा आपने एक बात नोट करी, आज्ञाकारी के साथ साथ
इन्होंने अपने नंबर भी बना लिए, पहली बार से तेज बोला इन्होंने, आप नंबर बनाने में भी एक्सपर्ट हैं दिल्ली वाले। अगर कलकत्ता वाले कला में एक्सपर्ट हैं तो दिल्ली वाले नंबर बनाने में एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं बजाता हूं आपके लिए तालियां। बोलो साचे दरबार की। चलिए महाराज, अब बारी है महिलाओं की। अब गाना, अब जितनी महिलाएं हैं वे गाएंगी पीछे तक। महाराज गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। कुछ भी दरबार में बैठ के झूठ बोल रहे आप। तो महाराज किसकी आवाज तेज आई बताइए। हाँ, हर जगह आवाज तेज ही नहीं की होती है, घरों की बाहर। आइए महाराज अब मगर दोनों एक साथ पूरे पूरे हाथ उठा के। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजारे। नरसी जी ने कहा कि मोटियार तुम्हारे पूर्ण पावले की बात तो मुझे जच गई, मेरे रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा, पर इस गाड़ी की हालत तो देखो, हमें ही नहीं पता कब बिखर जाए। ठाकुर जी ने कहा गाड़ी की हालत तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं तो जात का खाती हूँ। खाती माने बड़े ही कारपेंटर। बोले अभी सुधार दे। नरसी जी कवे जने तू ही देर से बोलियो, इतनी देर मारी चासनी ले तो गई, सुधार दे रे भाया। और ठाकुर जी तो बस गाड़ी के हाथ लगाई के गाड़ी हवाई जहाज ने पीछे छोड़े मारा। जड़ी जोरदार एकदम नहीं लागे, शोरूम से भी उठा लिया है। और ठाकुर जी कवे के बाबा जी थाने एक सुविधा और कर दे हूं। बोले कहीं, बोले अब आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो नरसी जी ने कहा तब कौन चलाएगा हमारी गाड़ी। बोले मैं आग सुतारी गाड़ी, आप तो आराम से बैठे डरो। और ठाकुर जी गाड़ी चलावे जोड़े ऊपर बैठे हाथ सुमे नारा। बाबा जानो है नगर अंजारे।
महाराज। ठाकुर जी कहते कि बाबा जी आपकी गाड़ी तो सुधर गई। बोले हाँ सुधर गई, खादी का काम पक्का है। बोले अब गाड़ी सुधारने की कुछ मजूरी दो। मजूरी माने पैसे फीस दो। नरसी जी रा तो 100 घड़ा पानी रा डुल गया। नरसी जी कवे पहले कैब तो क्योंकि मजूरी लगे तो मैं विचार करता। ठाकुर जी कवे कि मैंने पहले से ही कहा था कि मैं जात का खाती हूँ, ऐसे तो ये मेरा धंधा है। अब सुबह से बोनी भी नहीं हुई, कम से कम बोनी तो कराओ। नरसी जी कवे कि मारे ही कने रोकड़ रुपया होता तो ई गाड़ी में क्यों जावता, नहीं हवाई जहाज टिकट बनाने नहीं जावता। ओ कवे नहीं, ठाकुर जी कवे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। नरसी जी कवे मजूरी नहीं दो तो गाड़ी पाछी बिखेर दो गई। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं बिखेरू तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो दो। नरसी जी ने कहा तुम बड़ा मोटा तुम्बा दे दो। नरसी जी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम हमारे चेला रे घणी पड़िया माने की ना की मजूरी दो। नरसी जी उदास हो गया। ठाकुर जी कहते हैं बाबा जी उदास क्यों हो रहे हो, मेरी मजूरी तो सुन लो। बोले क्या है तुम्हारी मजूरी? बोले मेरी मजूरी कुछ नहीं है, मुझे तो बस भगवान का एक बढ़िया भजन सुना दो तो यही मेरी मजूरी। बोले खाटू नरेश की। और नरसी जी मग्न होर भजन गावे और खुद ठाकुर जी सुने। टूट्योड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी। टूट्योड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी। नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े जीव तोरे मोटिया। मोटिया अरे 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 जीव तोरे मोटिया। गाड़ी में अब तो अब महाराज अब जिन जिन को ठाकुर जी के साथ अंजार नगर जाना है और थोड़ी देर में ही बस मायरेदार बनकर आना है उठाना पूरे पूरे हाथ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। घणी दूर से दौड़ियो घड़ी का टोली कैला। घणी दूर से दौड़ियो गाटूली केला। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। जानो है नगर अंजार। जानो है नगर अंजार।